हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज गुरुवार को रोहतक के सिविल लाइन थाने में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के अंदर करीब 2 घंटे जांच की। इस दौरान थाने की अलमारियों से बिना दर्ज की गई शिकायतें, 2 लोडेड कार्बाइन और 1 पिस्टल मिली। इसके बाद विज ने कार्यवाही करते हुए थाने के SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। विज गुरुवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने रोहतक पहुंचे थे। बैठक के बाद अचानक वह थाने पहुंच गए थे। छापेमारी के बाद मीडिया से बातचीत में विज ने कहा कि थाना सिविल लाइन में कई अनियमितताएं मिली हैं। सरकार के थाने के समानांतर SHO अपना थाना चला रहे थे। जब थाने में जांच की गई तो यहां की अलमारियों में लोगों की शिकायतों के पुराने ढेर मिले हैं, जिनकी ना तो FIR रजिस्टर की गई है और ना ही उन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि थाने के अंदर ही लकड़ी की अलमारी में 2 लेडेड कार्बाइन और 1 पिस्टल मिली है। नियम अनुसार हथियारों को जमा करवाना होता है, जबकि ये ऐसे थाने में रखे गए थे। इससे कोई भी थाने में घुसकर किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। जिन 3 पुलिसकर्मियों के ये हथियार थे, उन्हें तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही SHO नरेश चंद्र, मुंशी वीरेंद्र और 1 हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नेग्लिजेंस एंड रनिंग ए प्राइवेट थाना इन पुलिस लाइन इन पुलिस स्टेशन सिविल लाइन। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर लाइंग पेंडिंग विदाउट रजिस्टरिंग एनी FIR और DDR। ठीक है, 2 मशीन गन्स लोडेड एंड 1 पिस्टल वर फाउंड लाइंग इन एन अलमीरा डिफाइंग द कोड ऑफ द आर्म्स कीपिंग। और बता, एक वो मुंशी का था जिसका नहीं मिला। सारों के बता नाम जो जो रह गए, सारों को सस्पेंड कर। सर पहली बात तो मेरी, सर मेरी मुंशी ने जैसा कहा मुंशी के पास नहीं, मेरी कोई ना मुंशी के तय मिलना था। सर थाना तेरा, हाँ सर मैं जा रहा था ड्यूटी। हथियार तेरे खाने ड्यूटी पर आए थे सर, उनके भीतर में मुंशी बैठे लिख के देता रही हूँ सर। सर देखो हमने कर दिया कुछ, मुझे बता आइयो कौन कौन सा जो जो पकड़े गए अंदर, सारे बताओ भी आइयो कौन कौन से थे, वो क्या क्या नाम है उनके। मुंशी है और तू क्या हेड कांस्टेबल है, एक हेड कांस्टेबल, एक वो छोले वाले को लेने गया राजेश। हाँ जी, देखिए इस थाने में सारी अनियमितताएं मिली, लोगों की दरखास्तें अलग अलग अलमारियों में लंबे समय से पड़ी हुई मिली हैं, जिनको किसी रजिस्टर में इंदराज नहीं किया गया, ना DDR काटी गई है ना FIR काटी गई। एक अलमीरा में, लकड़ की अलमीरा में 2 कार्बाइन और 1 पिस्टल रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर एंड लोडेड कार्बाइन वहाँ पड़ी है, जबकि नियम के अनुसार कोर्ट में से हथियार जाता है और आकर कोर्ट में जमा कराना होता है। वो हथियार किन के हैं भाई? नहीं नहीं, इस यहाँ रखे किसने? मुंशी के पास, मुंशी ने रखे। नहीं कोई आगे रख के क्या होगा ना, अपने चार देखे जमा करेगा मालखाने। भाई ये किसकी कार्बाइन थी, किसके थे हथियार? नाम क्या है, ये यहाँ आप कौन रख के गया था? दोनों के नाम बता, नाम बता दे, तीनों के बता दे, बता दे किस किस के नाम ये लॉट हुई हुई थी। रजिस्टर दिखाओ, तुमने लॉट करी होंगी किसी को तो करी होंगी ना।
जा ऐसे ही पकड़ा देते हो, ले दो भाई। है किसी को तो लौट की होगी ना, कौन रख के गया यहाँ पे? उन तीनों आदमी को सस्पेंड किया जाता जी, जो भी तीन आदमी हैं ये पता करो, ये पता एसपी साहब को बताओ। तीनों आदमी ठीक है ना जी, ये तो ग्रॉस मिस वो है पूरी तरह से एक समानांतर थाना यहाँ पर चलाया जा रहा है, एक सरकार का और एक यहाँ के एसएचओ का थाना है कि जो इनके लेवल पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। अनेकों दस्तावेज हमें मिले हैं, हमने ले लिया अपने कब्जे में, ये इनकी कार्रवाई नहीं की है। बहुत सारी एफआईआर की कॉपीज भी मिली हैं, वो भी हमने अपने रिकॉर्ड में ली हैं, जो कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था उनको देनी चाहिए थी, उनको नहीं दी गई है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और टोटल कितने सस्पेंड किए हैं? एक एसएचओ नरेश चंद्र, एक मुंशी, क्या नाम है मुंशी का? वरिंदर, एक हेड कांस्टेबल और तीन आदमी वो जिनके हथियार हैं जी। अब वो ये इन्वेस्टिगेशन में हंडा साहब बताएंगे कि किस किस के हथियार थे। हथियार हमने एसपी साहब को हैंडओवर कर दिए कि ये हथियार यहाँ पर अनअटेंडेड पड़े हुए हैं और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अंदर थाने में आके हथियार उठा के कोई कार्रवाई कर सकता है, तो वो हमने एसपी साहब को दे दिए हैं। एसपी साहब उनका फाइंड आउट करेंगे कि ये किस किस के हथियार थे, कौन कौन रख के किया था, और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो तो करेंगे ही, लेकिन सस्पेंड में अभी करूँगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।